जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गार्डनिंग एंड फार्मिंग टिप्स में। क्या आपकी लौकी ग्रोथ रुक गई है? क्या उस पर फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं, फल गिर रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है? तो आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं, ये लौकी की बेल है, वर्ल गार्ड की बेल है। तो इसमें क्या कारण है जिससे फूल फल नहीं आते हैं? इसका कारण ये हो सकता है कि आपका जो लौकी का बेल है उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो उसका कारण हो सकता है कि आपके कोई कीट हो सकते हैं, या तो आपका कोई पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, या तो उस पर कोई बीमारी है। तो इसका हम इलाज करेंगे आज। तो चलिए भी शुरू करते हैं। देखिए ये लौकी की बेल है, इसकी आपको कटिंग करनी पड़ती है, बोलते हैं बंजी थ्रीजी कटिंग, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। तो वो हम अब कब करनी है, कैसे करनी है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। जो आपको पहले ही बंजी कटिंग करनी पड़ती है, वो बंजी कटिंग आप 1.5 से 2 फुट पर कर सकते हैं। जो मैंने आपको दिखा सकते हैं, आपको मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये देखिए मैंने पहले कर दी थी, ये मैंने 1 से 1.5 फुट पर कर दी थी और ये अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब इसकी 2G कटिंग करेंगे हम और 3G कटिंग करेंगे। तो 2G कटिंग आपको कब करनी है? तो 2G कटिंग आपको करनी है जब 3 से 4 फुट की आपकी बेल हो जाए तब, और 3G कटिंग आपको करनी है 5 से 6 फुट पर। तो आप देख सकते हैं, तो ये हमारी कम से कम 5 से 6 फुट की होगी ये। तो यहाँ से हम इसे कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। आपको जो ये जो आप देख रहे हैं, आपको इसे पास से ही कट करना है, क्योंकि जो ब्रांच होती हैं साइड वाली वो यहीं से निकलती हैं, तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं। तो यहाँ से कट कर देंगे। और आपके फूल फल गिर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक अभी पेस्टिसाइड बना के दिखाऊंगा, वो उसका इसमें इस्तेमाल करेंगे और हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कटिंग। और अगर आपके पौधों पर जो मधुमक्खी वगैरह कीट वगैरह नहीं आते हैं, तो उसके लिए आप शहद का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपका कीट आने लगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। चलो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं ये जो फ्लावर है, ये आप देख सकते हैं ये फ्लावर है। आपको एक पतली सी एक सीख लेनी है, या कोई आप लकड़ी ले सकते हैं। तो इसमें हम ऐसे करके, और जो हमारी दूसरी बेल है या दूसरा फ्लावर है, उसमें हम इसको जो जेनेटिक लक्षण होते हैं इनके, एक दूसरे से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, तो आपके फल आने लगते हैं। और देखिए ये मेरी दूसरी बेल है, और ये आप देख सकते हैं ये जो हमारी दूसरी बेल है, हम इसमें ऐसे कर देंगे, तो इससे हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है और हमारे फल और फूल आने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे कर देंगे। और ये बेल भी हमने लगाई थी जब, तो इस पर भी हमने बंजी कटिंग कर दी थी और ये अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो इस पर भी हम ये देख सकते हैं आप, और इस पर ये खूब बड़ी हो गई, तो इस पर ये 3G कटिंग कर देंगे। तो ऐसे कर देंगे, इससे आपके फल हैं फूल काफ़ी अधिक मात्रा में आते हैं। तो हम इसका पेस्टिसाइड कैसे तैयार करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़े काम की चीज़ है, ये बड़ी आसानी से मिल जाती है आपके घर में, या कहीं से आप ले सकते हैं, ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो ये मैंने छाछ लिया हुआ है, और ये है मस्टर्ड केक, जैसा कि हम खल बोलते हैं इसे, खली बोलते हैं, सरसों की खली, तो वो है ऐसे इसमें। तो हमने ये भिगाई है 24 घंटे के लिए। भीगने के बाद अब इसका देखिए, इसने सारे जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स इसने रिलीज कर दिए हैं, और इसका कलर देखिए ब्राउन सा हो गया है। तो अब इसे हम छान लेंगे इसमें, तो आप छानने के लिए इस छलनी का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए मैंने सारी छान ली है, आप इसे किसी पौधे में डाल सकते हैं, या तो आप किसी भैंस की नान में डाल सकते हैं इसे। तो ये देख सकते हैं काफ़ी इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, एलिमेंट्स काफ़ी मात्रा में हैं, और ये हमने लिया हुआ है 1 लोटा छाछ, तो इसे हम इसमें मिला देंगे।
तो आपको छाछ है वो बिल्कुल ताजा लेना है। अगर आपके बेल पर कोई कीट वगैरह हैं, अगर आपकी बेल पर कोई कीट है तो उसके लिए आप बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ये बना सकते हैं। अगर आप ना बना पाएंगे तो आप किसी मेडिकल स्टोर से नीम तेल ला सकते हैं, उसकी स्प्रे कर सकते हैं। जो मैंने आपको 3G कटिंग बताई थी इसमें करने के लिए, उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप वहां से मेरे देख सकते हैं। और आप 1G, 2G, 3G कटिंग सभी तरह की कटिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम किसी लकड़ी से घुमा देंगे, ढंग से मिला लेंगे। हमारे पास लकड़ी नहीं है तो हम इसे उंगली से मिला दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं, इसे हम इसमें डाल देंगे। आपको अंदाज से डालना है, कम से कम ये 250 से 300 ml डालना है। ये मैंने एक में डाल दिया है, और ये आप अब देख सकते हैं, ये मेरा दूसरा प्लांट है, तो अब मैं इसमें भी डाल दूंगा। तो देखिए मैंने डाल दिया है। तो उसके बाद, और आपको ये हर 15 दिन में देना है, तो इससे आपके फूल फल बहुत अधिक मात्रा में आएंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरी तीसरी बेल है, तो मैं इसमें भी डाल देता हूँ। और आपको इसमें समय समय पर न्यूट्रिएंट्स देते रहना है, तो इससे आपके फूल फूल काफ़ी अधिक मात्रा में आएंगे। तो मैंने आज की वीडियो में आपको सारे सेल्स में बता दिए। आपके अगर पौधों में कोई भी इस तरह का फूल फल गिर रहे हैं या कोई कीट वगैरह आ गए हैं, तो आप इस तरीके से उसे प्रयोग करके फूल फल ला सकते हैं। अभी आपके अब फूल फल कभी नहीं गिरेंगे और भरपूर मात्रा में फूल फल। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है 3 दिन के अपडेट में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 3 दिन के अपडेट में जो हमने आप बना के डाला था पेस्टिसाइड, उससे क्या परिणाम हुआ है, चलिए देखते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं, ये बोटल गार्ड है। जब मैंने ये पेस्टिसाइड डाला था तब ये काफ़ी छोटी थी, अभी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो इससे पहले इस पर जो लौकी छोटी छोटी जो बेबी आई थी, तो बेबी मर गई थी इसलिए, उसके बाद अभी भी एक भी जो लौकी नहीं आई है। तो उसके बाद जब आएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद एक भी लौकी नहीं मरी। तो आप देख सकते हैं, उसके बाद जो लौकी आई है मैं उनका परिणाम आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पेस्टिसाइड डालने के बाद का रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में लौकी छूटी है। ये देख सकते हैं आप, जो बेबी फल है वो कितना आ रहा है, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। और उसके बाद एक नहीं, काफ़ी हैं, काफ़ी मात्रा में हैं ये आप, और ये देख सकते हैं। और हमने इनका जो आपको बताया था क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, उससे बहुत परिणाम निकला है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, और उसके बाद मैंने 3G कटिंग जो की थी तो उससे भी बहुत परिणाम निकला है। उसके बाद इसमें देख सकते हैं आप, जो मेन ब्रांच है उसके साइड से कितनी ब्रांच निकली हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सब 3G कटिंग का कमाल है। और 3G कटिंग की वीडियो मैंने आपको बताई थी, उसकी एक सेपरेट वीडियो है, मैं आपको उसका। और ये आप देख सकते हैं, ये उसके बाद का रिजल्ट है। और देख सकते हैं, लौकी को वैसे ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती है, पर लेकिन उसे पौंडने की जरूरत होती है। तो आप उसे ऐसा ही आप देख सकते हैं, और ऐसा आप अपनी टेरेस पर बना सकते हैं। ऐसा ये मैंने बनाया है, तो आप ऐसा बना सकते हैं और उस पर पौंडा सकते हैं। तो देखिए, और आप देख सकते हैं ये सारी लौकी पौंड गई है। तो आप देख सकते हैं, मैंने विद अपडेट के साथ आपको रिजल्ट दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कितना परिणाम निकला है, कितना ये इफेक्टिव पेस्टिसाइड मैंने आपको बना के दिखाया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।